नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और जी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको बेटी लेना पसंद है या फिर बेट कॉफी वो भी लेना पसंद है? अगर आपकी उत्तर हाँ है तो अभी के अभी इस आदत को छोड़ दीजिए, वरना आप जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। जी हाँ, आपने सही सुना। लगभग पूरी दुनिया भर में पानी के बाद यही एकमात्र ड्रिंक है जिसको सबसे ज़्यादा पिया जाता है। हालांकि चाय का शुरुआत चीन में हुआ, लेकिन आप लगभग पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग ये आदत बन चुकी है उनकी कि ये सुबह उठकर पहले ही चाय या कॉफ़ी लेकर बैठ जाते हैं, चाय या कॉफ़ी को ही प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन एक ख़ास रिपोर्ट के मुताबिक ये सरासर गलत है। अब आपको बताते हैं इसका गलत क्या है और क्यों ये गलत है। एक सूत्रों के मुताबिक पूरी दुनिया भर के चाय कैमेलिया साइनेंसिस नाम के एक पौधे से उत्पन्न होते हैं, परंतु तैयार के दौरान टेम्परेचर और रासायनिक संरचना के वजह से रंग, स्वाद और सुगंध में इसका अंतर पैदा होता है। पूरी दुनिया भर में काफ़ी तरह के चाय मिलते हैं। जब हम लोग सुबह उठकर पहले ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तब 7 से 8 घंटे की खाली पेट रहता है। और ये खाली पेट रहने की वजह से आप जब पहले ही चाय या कॉफ़ी को उसी के ऊपर खाली पेट में डालते हो, तो एसिडिटी लेवल आपका बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। खाली पेट कभी भी चाय या कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। ऐसा लगातार 2 से 3 साल करने से आपकी बॉडी का जो एंजाइम सिस्टम है वो पूरा का पूरा टूट सकता है। आप कोई भी खाना खाने के बाद उसे पचा नहीं पाओगे, यानी कि आपका पाचन तंत्र का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। आपका पाचन तंत्र पूरा का पूरा टूट के बिखर जाएगा। आपको अगर बेटी कल्चर है तो ये आदत आप आज ही के आज ही छोड़ दीजिए, वरना आपके जिंदगी के लिए ये बहुत भारी पड़ेगा। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, तो सुबह उठकर क्या पीना चाहिए? इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुबह उठकर खाली 1 गिलास पानी ही पिए। इससे आपका शरीर के लिए बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही लाभदायक है ये 1 गिलास शुद्ध पानी। चाहे तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं और इसके साथ थोड़ा नींबू भी मिला सकते हैं। इससे आपकी पूरी दिन की एनर्जी बरकरार रहेगी और आप हंसते खेलते पूरे दिन अपने काम में जुटे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये था आज का खास रिपोर्ट। आपको कैसा लगा हमारा रिपोर्ट, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और आप चाहे तो आपके सज्जनों को, परिजनों को ये रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चाहे तो आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिस्टर अमित कुमार, जी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार।